Hello students, this is another part, third part of the electricity chapter, है ना? और इसमें हम लोग आज देखेंगे आगे, है ना? ohms law, ये सब हम लोग देख चुके थे, है ना? आगे देखते हैं, resistance, resistivity, series, parallel arrangement, voltage drop, there are some more terms, है ना? तो electric current हम लोग जान रहे थे क्या था? Just a quick recap, electric current is the rate of flow of charge through cross-sectional area of a conductor. This is the cross-sectional area of the conductor, है ना? Cut करेंगे तो ऐसे cut करेंगे perpendicular to the length, तो ये आएगा cross-sectional area. यहीं से जितना मेरा current जाएगा, है ना? Charges जाएगा per unit time, है ना? अगर 5 charges जा रहा है per unit time, ठीक है? तो कौन सा charge जा रहा है? Electron ना? 5 electron जा रहा है, तो charge कितना जा रहा है? 5 into e divided by t, ये हो जाएगा मेरा I. और ये फिर इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर, है ना? एम्पियर होता है. एम्पियर क्यों? क्योंकि एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड. दिस इज आल्सो कैपिटल, दिस इज आल्सो कैपिटल, दिस इज स्मॉल लेटर, ठीक है? तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट, ठीक है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है इसके ऊपर बनाते हैं. वो द इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज 6 एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 6 एम्पियर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पास्ट अ गिवन पॉइंट इन 3 सेकंड? मतलब व्हाट आर यू गिवन? यू आर गिवन दैट I इक्वल टू 6 एम्पियर, है ना? टाइम टेकन इज 3 सेकेंड, है ना? द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव पास्ड. तो ये तो पक्का पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करता है, बट तो हम लोग को यहां से निकाल लेंगे क्या I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी होता है. तो 6 है, एम्पियर में है, तो Q किस में होगा? कूलम में ही होगा, क्योंकि टाइम भी सेकंड में दिया हुआ है. तो Q मेरा कितना आ गया? 6 3 18 कूलम. एम्पियर इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? कूलम. 18 कूलम आ गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, याद करना है. Q इक्वल टू N इंटू ई. N हमेशा पॉजिटिव होगा, नंबर है. A Q इक्वल टू 18 कूलम. N E होता है, है ना? 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. क्लियर है? तो 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना? ये यहाँ पे कूलम है, ये भी कूलम. कूलम कूलम कैंसल और नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है, तो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या हो जाएगा? 18 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19, 16 था तो एक पावर ऊपर भी गया ना, है ना? और 18 बाई 16 क्या हो जाएगा? 18 बाई 16 डिवाइड करते हैं, 16 वन जो 16 टू पॉइंट अगेन 16 4, है ना? तो कितना आ जाएगा 16 टू, ठीक है? तो कितना आ गया मेरा? 1.12 इंटू 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये मेरा आंसर. समझ में आ गई बात? आगे बढ़े. ओके, नाउ यहां पे हो क्या रहा है? व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, कि हम लोग यही ऑब्जर्व किया ना, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल. द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रॉन्स का? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना? और यही तो रीजन है. देखिए, समझने की वाली बात है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ये कंडक्टर में. ये जो वायर है, इस ये मेटल वायर है, ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है. इसका वर्क क्या है? टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वायर के ये एंड को जब मैं इससे कनेक्ट करता हूं तो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल गया,
और जब ये एंड को इससे कनेक्ट किया तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल मिल गया. दिस इज द हायर एंड दिस इज द लोअर, है ना, पोटेंशियल. तो करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. वायर्स, जो वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वायर्स में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, बट बैटरी उसको करने के बाद ये फ्लो जो हमको वो फ्लो मिला है, वो एक नेट फ्लो मिला है जो कि पहले प्रेजेंट नहीं था, है ना. और फिर देखो ये बल्ब है, तो बल्ब में भी कंडक्टर नहीं है, बल्ब मतलब बल्ब में भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो वायर का ही है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स एकदम एक पाथ बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एंड इट इज ऑल्सो कंडक्टिंग पाथ. क्लियर हो रही है बात? तो बस यही हो रहा है. क्लियर है? डन. तो बस यही है. एंड अगर आप सच पूछो तो बैटरी काम क्या करता है, तो आप देखिए यहां पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक, बट यहाँ पे ये एनर्जी अप्लाई किया है, ये हायर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से पुश करना इजी है, राइट, नेगेटिव टर्मिनल से पुश करना इजी है, बट फिर पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो लाना पड़ेगा सर्कल बनाने के लिए, ये जो साइकिल बनाने के लिए. आप इलेक्ट्रॉन्स को किसके पास लेके आ रहे हैं? नेगेटिव पे, है ना, ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए. इलेक्ट्रॉन्स को आप नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव पे लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे ये वर्क हो रहा है, दैट एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड हियर, एंड एनर्जी इज आल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड इन द हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी हमारा वेस्ट हो रहा है, राइट, दैट्स वाई वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड कन्वेंशनल डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? दिस इज कॉल्ड सेल, पावर लाइन, बैटरी, है ना. और सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, इफ इट इज अ बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहते हैं, देन वी रिप्रेजेंटेड बाय दिस. क्लियर? सो ओम्स लॉ, है ना. तो ओम्स लॉ यही कह रहा था कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उतना ही करंट फ्लो होगा थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है. ठीक है, तो जब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग हटाते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आता है, वी इक्वल टू हो जाता है आई आर, वेयर आई इज द करंट एंड आर इज द कॉन्स्टेंट, है ना. आर इज वॉट? कॉन्स्टेंट. अभी कॉन्स्टेंट फॉर वॉट? कॉन्स्टेंट फॉर दैट कंडक्टर, कॉन्स्टेंट फॉर दैट कंडक्टर, है ना, उस कंडक्टर के लिए कॉन्स्टेंट है. अभी ये सवाल आता है कि हम आर को चेंज करेंगे तो क्या होगा? आप आर को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कंडक्टर को चेंज कर रहे हैं ना, तो कंडक्टर को चेंज कर रहे हैं तो फिर अलग अलग होगा ही पोटेंशियल डिफरेंस. अगर आप सेम में अप्लाई करेंगे तो करंट अलग होगा. हाँ ठीक है, तो आप आर चेंज कर रहे हैं, मतलब आप किसको चेंज कर रहे हैं? आप कंडक्टर को ही चेंज कर रहे हैं, तो वो कंडक्टर जो आप लेके आ रहे हैं उसका अलग आर होगा, तभी ना चेंज हुआ. क्लियर है? तो इसे समझते हैं कि आपके पास एक ये रोड है, रोड वन, दिस इज रोड टू, है ना, रोड वन एंड इट इज रोड टू. क्या दोनों रोड्स में चलना एक ही जैसा है क्या? इजी है ना? क्या दोनों रोड्स में चलना एक जैसा इजी है क्या? नो. हेयर विल फाइंड आवर मोशन वेरी इजी, बट हेयर द मोशन इज डिफिकल्ट, हेयर द रिस्ट्रिक्शन, हेयर द ऑब्स्टेकल, हेयर द अपोजिशन इज मोर. Here the opposition is more, है ना, more opposition. Here the opposition is less.
ऑब्वियसली किसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, हम एक ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे दोनों कंडक्टर में लगाएं, है ना, तो क्या सेम करंट फ्लो होगा क्या दोनों से? नहीं फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन कम है तो यहाँ पे ज्यादा फ्लो होगा, बट यहाँ पे कम करंट फ्लो होगा डेस्पाइट अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. सो विल से कि रेजिस्टेंस इसका लेस है, क्योंकि हमको लेस अपोजिशन मिला, इसका रेजिस्टेंस मोर है क्योंकि हमको ज्यादा अपोजिशन मिला. डिस्पाइट हैविंग द सेम बाइक, डिस्पाइट हैविंग द सेम एवरीथिंग, है ना, इसका रेजिस्टेंस लेस, इसका रेजिस्टेंस मोर, बिकॉज द पाथ इज ट्रेवलिंग एज द मोर अपोजिशन, यहां पे लेस अपोजिशन. क्लियर हो गई बात? ठीक है. सो व्हाट वी आर सीइंग कि हमारे पास एक स्टील का हो, स्टील का कंडक्टर है. कैसा कंडक्टर है? दिस कंडक्टर इज ऑफ स्टील, दिस ऑफ कॉपर, दिस ऑफ ग्लास. नाउ वी आर अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द थ्री. ठीक है, तो तीनों मटेरियल अलग अलग है ना, है ना, तीनों मटेरियल अलग अलग है ना, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी तो अलग अलग होगा ना. तीनों तीनों कंडक्टर्स है, ओके, तीनों कंडक्टर्स है या कोई इंसुलेटर भी है, बट क्या तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? अगर मान लीजिए सारे कंडक्टर भी हैं, तो सारे कंडक्टर के सारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या सेम है? एवरीवन गेट्स इक्वल मार्क्स इन द एग्जाम्स? नो. ठीक है, एवरीबॉडी स्टडीज द सेम सिलेबस, बट एवरीबॉडी डज एवरीवन गेट द सेम मार्क्स? नो, देयर डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज. तो ये एबिलिटीज, ये ऑपोजिशन का एबिलिटी, इसका कम है, इसका कम है, इसका थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. क्लियर है? ठीक है, तो बस यही है रेजिस्टेंस. ग्लास का रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा ना. ठीक है, क्लियर है. नाउ सी व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप. जैसे हमने बात की कि है ना कि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ द रेजिस्टेंस. ठीक है, व्हाट इज द रीजन? हैव यू सीन वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप? हाँ, तो वाटर जब फ्लो कर रहा है, तो वाटर यहाँ वॉल्स के कॉन्टैक्ट में है ना, ये वॉल्स जिसमें वो फ्लो कर रहा है उसके वॉल्स के कॉन्टैक्ट में है, और वॉल्स के कॉन्टैक्ट में है तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन ही तो ऑपोजिशन है. फ्रिक्शन इट्सेल्फ इज द ऑपोजिशन. दैट्स वाई हमको भी पंप लगाना पड़ता है पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने में. वहां पे तो ग्रेविटी भी आ जाता है, बट देन ऑल्सो कभी कभी आपको वाटर को फ्लो कराना, तो यू यूज अ वाटर पंप. वाई? बिकॉज इट इज यूज फॉर डूइंग वर्क. वाई? वर्क क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि फ्रिक्शन को अपोज करना है भाई. क्लियर है? ठीक है, तो यहां भी वही हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहा है, बट क्या पूरे कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, एटम्स नहीं है, है ना? तो सबसे कोलिजन होगा ना, होगा ना, थोड़ा तो कोलिजन होगा, फ्रिक्शन है, तो कहां से लाएगा वो एनर्जी? ठीक है, ये हो गया वायर का रेजिस्टेंस, वायर में जो कोलिजन्स हो रहे हैं. फिर उसके बाद यहां पे कुछ एनर्जी यूज अप हो रहा है ना, तो यहां पे यूज अप हो रहा है, तो ये किस में यूज अप हो रहा है? एनर्जी, हीट एनर्जी. ये एनर्जी दे रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, और यहाँ पे ये एनर्जी किस में यूज हो जा रहा है? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में. तो हुआ ना, दिस बल्ब इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस. क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो बस यही है, आगे बढ़ते हैं. वी यूज्ड, है ना, वी इक्वल टू आई इंटू आर, है ना, तो इसको अलग अलग तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं ना. ये ट्रायंगल याद रखिएगा, वेन एवर यू फील कि हमको कैलकुलेशन करना है, आप यू जस्ट ड्रॉ दिस ट्रायंगल लाइक दिस. और क्या करना है, जब आपको वी निकालना है, कवर वी, वी को ढक दीजिए. जब वी को ढक दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा? आई इंटू आर. ठीक है, ओके. नाउ यू नीड टू फाइंड आई, कवर आई, कवर आई, तो यहां पे क्या दिख रहा है? वी बाई आर. सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर. यू नीड टू फाइंड आर, कवर आर, आर को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है? वी बाई आर.
क्लियर है? तो इस तरह से इसको यूज करना है ना, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर एंड आर इक्वल टू वी बाई आई। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। सो नेक्स्ट कम लेट्स कम ऑन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। ना यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, देखिए मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा दिया है ना, मेरा कंडक्टिंग पाथ भी है, बट जब ये ओपन हो रहा है तो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं कर रहा है, करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होना बंद हो जा रहा है ये स्विच जब क्लोज है। तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर आपको एक पूरा क्लोज रास्ता बनाएंगे तभी ना पूरा सर्कल कंप्लीट होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। अगर आपका सर्किट यहां से ब्रेक है, आपका अटैच नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो कर पाएगा? वो तो यहीं पर रुक जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? तो यही तो है, दिस इज कॉल्ड अ सर्किट। सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, ठीक है ना, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कि जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, अगर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के अक्रॉस लगाते हैं तब। एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, इसमें आपने पॉजिटिव लगाया और इसमें आपने नेगेटिव लगाया, तभी तो फ्लो कर रहा है ना। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन तो ये कंडक्टर होना चाहिए, पहला कंडीशन तो कंडक्टिंग कंडक्टर होना चाहिए, दूसरा कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, तीसरा कि क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, है ना। क्लियर है? तो तीनों कंडीशन मीट होना चाहिए एक सर्किट बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप यहां पे कंडक्टर नहीं लेके इंसुलेटर ले तो कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लीजिए फ्लो करेगा क्या? नहीं, ठीक है। अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लीजिए, कंडक्टर भी ले लीजिए, अगर ये पाथ क्लोज नहीं होगा तो कनेक्शन कंप्लीट होगा क्या? नहीं, यहां से यहां क्रॉस ही नहीं करेगा बस, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम क्या है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग ना ड्राइंग क्लास में नहीं आए, पहली बात हम लोग ड्राइंग नहीं करते हैं साइंस में, है ना, हाँ फिजिक्स में एटलीस्ट नहीं करते, बायोलॉजी का पता नहीं, सो वी डोंट डू ड्राइंग्स हियर, हाँ इतना टाइम नहीं हमारे पास, वी जस्ट रिप्रेजेंट दिस बैटरी, दिस इज अ पिक्चर एंड दिस इज अ डायग्राम। हमको इतना मेहनत करने के बजाय वी जस्ट यूज दिस फॉर द एंटायर थिंग, ठीक है। तो पिक्टोरियल डायग्राम एंड दिस इज डायग्राम, ठीक है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट एंड डायग्राम इज डिफरेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम। हियर व्हाट हैज हैपेंड कि अभी क्या होगा इसमें कि सबको अगर सेल बनाना है तो सेल एक्चुअली, चलिए पिक्चर समझ में आ रहा है कि ये सेल है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है तो हर कोई अगर अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज करेगा तो सबका तो डायग्राम अलग अलग मतलब बताएगा, हाँ ये तो सेल है, कोई बोलेगा कि सेल इस तरह से हम बनाएंगे सेल, है ना, बट दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है, नो वन कैन चेंज इट वंस इट्स बीन डिसाइडेड एंड दिस इज द स्टैंडर्ड। क्लियर है? तो हम लोग एक बार सारा देख लेते हैं क्या क्या है। इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, है ना, यहाँ पॉजिटिव बिगर, पॉजिटिव स्मॉलर, नेगेटिव। बैटरी और कॉम्बिनेशन, टू और मोर सेल्स आर कॉल्ड बैटरी, ठीक है। प्लग की और स्विच, स्विच जो आप लोग घरों में यूज करते हैं ये वाला, ये तो है ही, है ना, दिस इज अनदर काइंड ऑफ की, है ना, प्लग की बोलते हैं। इफ यू टेक आउट दिस प्लग द सर्किट इज ओपन, इफ यू पुट इन दिस प्लग द सर्किट इज क्लोज्ड। क्लियर? ठीक है ना, व्हेनेवर सर्किट यू आर ड्रॉइंग और यहाँ पे कोई वायर ऐसे क्रॉस कर रहा है तो यू कांट जस्ट क्रॉस इट, यहाँ पे आपका ऐसे आके ही हैज टू जंप, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, डन। ये अगर ज्वाइन नहीं कर रहा है तो, अगर ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ेगा, हाँ ये ज्वाइन कर रहा है, हो सकता है कभी कभी ना ज्वाइन करे तो यहाँ पे ऐसे दिखाना। क्लियर है? बल्ब इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे, ठीक है। रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। नाउ देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। दिस इज व्हाट इज रियोस्टेट, ठीक है। तो रियोस्टेट में क्या था, एज वी स्लाइड दिस स्लाइडर,
है ना, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो बदलता है ना. एंड दिस वी यूज इन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, है ना. वी डू दिस आल्सो, दिस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में यूज दिस कॉल्ड रिओस्टेट. एज यू स्लाइड दिस स्लाइडर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द दिस विल चेंज एंड दैट विल चेंज द करेंट इन द सर्किट, है ना. दैट्स व्हाट वी वेरीफाई. वी वेरीफाई आई वर्सेस वी वैल्यूज एंड देखते हैं कि क्या दोनों प्रोपोर्शनल है. हम लोग अलग अलग वैल्यूज ऑफ आई लेते हैं बाई चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ दिस, है ना, और फिर देखते हैं कि प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं. रीडिंग लेते हैं कि इसमें एमीटर, एमीटर मेजर्स करेंट एंड वोल्टमीटर मेजर्स वोल्टेज, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. तो ये एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. इजी रिप्रेजेंटेशन, प्लस माइनस और ये भी. क्लियर है. दिस द रियोस्टेट. रियोस्टेट यू कैन रिप्रेजेंट यूज बोथ वेज, ठीक. क्लियर हो गया. एक बार सेल लाइक दिस, वन बिगर लाइन स्मॉलर लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स व्हेन इट इज ओपन कंडीशन, व्हेन इट इज क्लोज्ड, ठीक है, डन. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द रेजिस्टेंस, है ना. रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट. रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन, है ना. अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो लेस करंट विल फ्लो. वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, है ना. ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट विल फ्लो, है ना. तो वही देखते हैं कैसे क्या होता है, किस चीज से इफेक्ट होता है ना. लेट्स स्टार्ट. तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहां पे, वी हैव टू कंडक्टर्स, है ना, कंडक्टर वन एंड आई हैव कंडक्टर टू. ना दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ दोनों का ना सेम है, बट इसका एरिया जो है वो है लेस एरिया एंड इसका एरिया जो है वो है मोर. क्लियर है, ठीक है. एंड करंट निकाल लेते हैं ना, करंट निकाल लेते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, है ना. चलिए मान ले यहां से यहां तक 2 सेकंड लगा उसको फ्लो होने में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6. आई इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बाय 2, है ना, एनी. क्लियर है. तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बाय 2, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ो, 6 कूलम ले लेते हैं, है ना. तो 3 एम्पियर मान लेते हैं, चलिए 6 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, अप्रोक्सीमेटिंग कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैज 1 कूलम चार्ज, विच इज रॉन्ग बट ठीक है. 6 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इन 2 सेकेंड्स. नाउ एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, है ना, एरिया बढ़ने से अब वो क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, तो क्या इन द सेम टाइम मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, क्या, ठीक है, यहां पे द करंट इन द सेकेंड विल बी ग्रेटर देन द करंट इन मोर वन बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग हियर, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग परमिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द सेम टाइम. सो व्हाट डज दिस शो, दिस शोज अस कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, यहां पे लेंथ तो दोनों का सेम है,
directly proportional to ये होगा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, एरिया इज मोर, सो मोर करंट इज फ्लोइंग इन सेकंड कंडक्टर देन द फर्स्ट कंडक्टर, एरिया ऑफ द सेकंड कंडक्टर इज मोर, सो मोर करंट इज फ्लोइंग इन द सेकंड कंडक्टर देन द फर्स्ट कंडक्टर। मोर करंट मतलब लेस रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस किस चीज से घट रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस इज लेस, यहां पे रेजिस्टेंस इज लेस, करंट इज मोर और एरिया इज मोर, यहां पे एरिया इज लेस, करंट इज लेस एंड रेजिस्टेंस इज मोर, ठीक है ना। सो व्हाट वी गेट, वी गेट अ वेरी नाइस रिलेशन, दैट रिलेशन सेज कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप एरिया बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, तो ये हो गया रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे देखिए, यहां पे मेरा लेंथ दोनों का अलग अलग है, एरिया सेम है, एरिया इज सेम, लेंथ L1, लेंथ L2, यहां पे L2 इज ग्रेटर देन L1। अब ध्यान से सुनिए, ऑब्वियसली रास्ता लंबा है, आपको लंबा रास्ता चलने में ज्यादा दिक्कत होगा कि छोटा रास्ता चलने में ज्यादा दिक्कत होगा, ज्यादा टाइम किस में लगेगा, लंबा रास्ता चलने में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है क्योंकि एरिया सेम है ना, सेम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बट लंबा रास्ता चलने में ज्यादा दिक्कत होगा ना, ज्यादा टाइम लगेगा ना, सो ऑब्वियसली द करंट विल बी मोर हियर, I1 greater than I2, कैसे देख लेते हैं, है ना, इस जितना देर में ये पूरा चलेगा यहां तक, उतना देर में इट कैन डू टू राउंड्स, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, तो इसीलिए बिकॉज द लेंथ इज ग्रेटर इट हैज टू ट्रेवल मोर पाथ, मोर ऑपोजिशन, मोर रेजिस्टेंस, लेस करंट, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रास्ते की लंबाई उतना ज्यादा रुकावट, क्लियर है बात, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डन, ठीक है। यहां पे लेंथ इज लेस, करंट इज मोर, रेजिस्टेंस इज लेस, एल इज मोर, आई इज लेस, वाई, बिकॉज आर इज मोर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमको पहला चीज क्या समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, एरिया, कोई नॉर्मल एरिया नहीं, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, है ना, क्लियर है यहां तक, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो यहां पे हम दोनों को क्या कर रहे हैं, एक साथ लेके आ रहे हैं, एल बाई ए हो जाएगा ये। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे, तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट है ये, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब ये क्यों आ गया रेजिस्टिविटी, तो हम लोग क्या देखे थे कि आप रेजिस्टेंस जो है आपका लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल का बात ही नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब कि अगर हम गोल्ड गोल्ड ले लें, गोल्ड ले लें और एक सिल्वर ले लें और फिर एक ना हम कुछ इंसुलेटर ले लेते हैं, है ना, कोई भी इंसुलेटर नहीं, चलिए कॉपर ही ले लेते हैं, है ना। ये तीनों का जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या सेम होगा? नहीं, क्लियर है, तीनों कंडक्टिविटी सेम नहीं होगा, ठीक है। तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो तीनों का अलग अलग होगा, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करना चाहिए ना, तो वो फैक्टर कहाँ से आएगा जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर आएगा? तो वही है रेजिस्टिविटी। समझ में आया बात? रेजिस्टिविटी वही है। रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक है एरिया ऑफ द कंडक्टर और एक रेजिस्टिविटी विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप बोलिएगा कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द कंडक्टर इज मेड ऑफ, है ना। तो रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाई आर, रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड लाइक दिस एंड इट इज प्रोनाउंस रो। क्लियर है, क्लियर है। इसका यूनिट है ओम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉल्ड एज ओम, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होगा सोचिए तो जरा, ठीक है 2 मिनट। हाँ, तो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां पे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना है, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओम इंटू मीटर स्क्वायर पर मीटर, ये किसका यूनिट हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का हो जाएगा ओम मीटर। एक्चुअली यहीं पे अब समझने वाली बात है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1 ओम लेते हैं हम, है ना, रेजिस्टिविटी, ठीक है, लेंथ 1 ओम नहीं लेते हैं हम लोग, यही रखते हैं। आर ही रखते हैं, है ना, रो, या लेंथ को ले लेते हैं 1, 1 मीटर का कंडक्टर का लेंथ है मेरा, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। अब देखिए क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है रेजिस्टिविटी? जैसे कि आप 1 मीटर का कंडक्टर लिए, है ना, और 1 मीटर, तो 2 मीटर का कंडक्टर लीजिएगा और उसका एरिया ज्यादा होगा अगर, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा ना, ठीक है। तो आपको लेंथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे, है ना, उसका रेजिस्टेंस तो अलग होगा। तो बस इसीलिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का डिफरेंस यही है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, कि कौन सा कंडक्टर है, बट रेजिस्टिविटी केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस का पता है जब वो 1 मीटर हो और 1 मीटर स्क्वायर ही हो, तो केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है आपका वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? केवल मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। लेकिन रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द लेंथ एरिया, है ना, क्लियर है, मटेरियल, ठीक है, क्लियर है। तो वो कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। एंड अगर मेरा ये है,
मिटा दे रहा हूँ, है ना। अगर मेरा गोल्ड का है ना, मैं लिया हूँ एक कंडक्टर गोल्ड का लिया हूँ, ये मेरा गोल्ड है, ये भी मेरा गोल्ड है, तो दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम, लेकिन रेजिस्टेंस तो अलग अलग होगा ना, R1 R2 ये दोनों अलग अलग होगा, बट सेम क्या होगा, बिकॉज दे हैव द सेम मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड विल बी द सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 50 किलोमीटर का लेंथ वायर ले लिया, उसको बस बताना कि अगर आपका 1 मीटर का होता लेंथ और 1 मीटर का एरिया तो कितना रेजिस्टेंस होता, वही है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी को फर्क ही नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है कि भैया अगर आपका वायर का लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है वो हमको बताइए, और वही होता है रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर? तो अगर दोनों गोल्ड से बना है तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, क्योंकि 1 मीटर रेजिस्टिविटी तो क्या निकाल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो ये भी वही निकालेगा ना, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर का कितना है बताओ। क्लियर है? तो इसलिए दोनों का सेम होगा, बट रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि इसका लेंथ अलग है, इसका भी लेंथ अलग है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम लोग सर्किट में आते हैं। ठीक है, सर्किट्स में तो सर्किट्स हम लोग देख चुके हैं कि क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है। अभी क्लोज कंडक्टिंग पाथ में वेरियस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकता है ना। तो अरेंजमेंट्स में क्या है, आपको क्या क्लियरली दिख पा रहा है यहाँ पे कि एक अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज सर्किट एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज पैरेलल। एक स्पेशल चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे कि अगर मैं ये बल्ब को निकाल दूं तो ये बल्ब तो नहीं जलेगा, वो तो श्योर है, ये दोनों भी जलना बंद, बाकी सारा कुछ है, मेरा कंडक्टिंग पाथ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बट ये मेरा निकालने से मेरा सर्किट ब्रेक हो जा रहा है। मेरा सर्किट ब्रेक हो जा रहा है मतलब ये निकालने से, है ना, मेरा जो करंट है वो यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है इधर से, है ना, और जो मेरा करंट इधर से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, करंट तो जाता नहीं है, बट मतलब करंट का जो फ्लो है वो ये डायरेक्शन में है, ये होके ये ऐसे आएगा, है ना, यही तो डायरेक्शन है ना। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होके यहाँ जाएगा, ये कंडक्टिंग पाथ में, फिर यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे होके आएगा। अगर इसका ये कंडक्टिंग पाथ को हटा दे तो ये यहाँ से जंप नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस कॉल्ड एज पैरेलल अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, ये अगर हटा भी दे रहे हैं तो भी इसको रुक नहीं पा रहा है, ये दोनों तो जल ही रहा है, इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर? नाउ दीज टू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय स्विचिंग टेकिंग ऑफ दिस बल्ब, बट हियर दीज टू आर गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट को याद रखना है, एंड वी विल सी कि कैसे होता है। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, है ना, वोल्टेज ड्रॉप, है ना, वोल्टेज ड्रॉप हम लोग समझ गए ना कि हर 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 जगह, जैसे कि मेरा रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, आई हैव जॉइंड 3 रेजिस्टेंसेस, क्लियर, ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस। ठीक है, करंट इधर से फ्लो कर रहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए, अभी करंट मेरा जाना शुरू हुआ, तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां भी जाएगा, उतना ही करंट यहां भी जाएगा। क्लियर है? यस। तो वेन एवर आपके करंट के पास बस एक ही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ता है ना, और कोई रास्ता दिख रहा है क्या? यहाँ पे बस एक ही रास्ता है, इज ओनली वन वे टू गो। हाँ, तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो बाकी दोनों के लिए तो रास्ता बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही हो रहा है हमारे सीरीज सर्किट में कि क्या है कि एक ही रास्ता है, द सेम करंट इज गोइंग टू
ऑल द मतलब जो इससे करंट फ्लो होकर जा रहा है वही यहां पे जाएगा, क्लियर है? तो एक ही रास्ता है ना. अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं तो करंट तो सेम जा रहा है, दैट्स ओके. वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं यहां पे क्या है, इसका मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वी. ये है रेजिस्टेंस आर वन, ये है रेजिस्टेंस आर टू और ये रेजिस्टेंस आर थ्री. ये तीन रेजिस्टेंसेस है मेरे पास. यहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मैं इस्टेब्लिश किया हूँ तो ये यहाँ पे थोड़ा सा तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी गया ना, वेस्ट हुआ ना मेरा. तो जो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल आया था है ना, वायर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं करता, नेग्लिजिबल होता, ठीक है? इसलिए हम वायर के रेजिस्टेंस पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे. ये लोग अपना हीट और एनर्जी में एनर्जी ले रहे हैं, तो दैट्स व्हाट बल्ब को ही हम लोग आर वन बोल रहे हैं. तो यहाँ हीट और एनर्जी लॉस्ट हुआ ना भाई, तो जो मेरा यहाँ पे एनर्जी हम दे रहे थे वो थोड़ा यहाँ पे तो लॉस हुआ. तो यहाँ पे जो लॉस हुआ वो कितना होगा, वो मान लेते हैं कि वो वी वन होगा, है ना? यहाँ पे जितना भी लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ ना, उसको मान लेते क्या वी वन. फिर यहाँ पे आया कुछ है ना, तो यहाँ पे आया तो फिर यहां से यहां के बीच में कुछ लॉस होगा, क्लियर है? ठीक है, फिर यहां पे आए तो यहां और यहां के बीच में भी कुछ लॉस हुआ क्योंकि बल्ब तो लगा हुआ है, ठीक है ना? यहां और यहां के बीच में भी लॉस हुआ, ठीक है? तो यही तो है वी वन वी टू वी थ्री, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, है ना? हम लोग का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड इन हीट एंड लाइट, है ना? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है, ज्यादा रुकावट है, तो ज्यादा कोलिजन, ज्यादा यहाँ पे हीट और लाइट हो रहा है जनरेट, ठीक है ना? क्लियर है? हीट हीट का अगर आप जानते होंगे कि कैसे पता हीट से ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट हो, ज्यादा कोलिजन हो रहा है, आप अपने दोनों हाथों को रब करिए बस, देन यू विल सी कि हीट इज जनरेटेड. सो व्हेन यू आर नॉट रबिंग योर हैंड्स नो हीट वॉज जनरेटेड, बट नाउ व्हेन यू आर रबिंग योर हैंड्स यू कैन इजिली सी हीट इज जनरेटेड. सो ऑब्वियसली सम एनर्जी इज लॉस्ट, दैट एनर्जी लॉस्ट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रादर पोटेंशियल ड्रॉप, है ना? दैट्स व्हाट इज ड्रॉप. क्लियर नॉट क्लियर? चलिए हम आपको एक और एग्जाम्पल से बताते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे ना ये 12 वोल्ट था आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस था 12 वोल्ट. तो ये वाला ना मैं मान लेता हूँ कि ये 12 है और ये वाला मैं मान लेता हूँ कि 0 है. डिफरेंस है तो 12 माइनस 0, ठीक है? अब यहाँ पे गया, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ होगा. तीनों का जब ड्रॉप ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? इट शुड कम अप टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इक्वल टू वी, दिस शुड कम. क्लियर है? विल सी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल कि कैसे आता है. आई थिंक ये वाला बात समझ में आ गया. एक बार मैं पैरेलल भी समझा देता हूं. तो पैरेलल क्या है कि आई एम टेकिंग दिस, दिस शुड बी मोर देन वन पाथ. There should be more than one path, है ना? यहाँ पे this is positive and this is negative. The current is flowing from here. This is R1, this is R2 and this is R3, है ना? The current is flowing from here to here. तो some part of the current, now see, just like a water circuit. मान लीजिए यहाँ पे तीन पाइप लगा हुआ है एक मेन पाइप से, तो कुछ पानी यहाँ जाएगा, कुछ पानी यहाँ जाएगा, कुछ पानी यहाँ जाएगा. That's what will happen यहाँ पे. The current will get divided. The current will get divided. ठीक है? But यहाँ पे देखिए, they both है ना, potential जो है ये drop नहीं होगा. तीनों का जो potential है वो same है, क्योंकि हम लोग याद करिए हम लोग क्या बोले थे, पोटेंशियल इज ऑलवेज अप्लाइड अक्रॉस, है ना? अक्रॉस. अभी ये कंडक्टर यहाँ पे इसका एंड यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये एंड इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है,
ये जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट. सो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, बिकॉज यहां पे आप ये पॉइंट को 12 लिए, ये पॉइंट को लिए 0, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 12 था. तो ये वायर जो है, ये वायर तो यहां से जुड़ा हुआ, तो ये यहां का भी पोटेंशियल कितना होगा, 12. और ये वाला देखिए कहां पे जुड़ा हुआ है, ये भी यहां पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी 0, ये भी 12, ये भी 0, ये भी 12, ये भी 0. ठीक है, तो यही बात है सीरीज और पैरेलल में. ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन देयर इज अ सिंगल पाथ फॉर द करंट. नाउ सी, एक ही पाथ है, एक ही पाथ है करंट के लिए, और कोई रास्ता है क्या, करंट कहीं और जा सकता है क्या, नहीं, ये तीनों रेजिस्टर से होके ही जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस से, तो बस वही है. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, तो यही है सीरीज सर्किट. ठीक है, सो व्हाट वी आर लिस्टिंग है कि एनर्जी गेन्ड इज लॉस्ट थ्रू R1, R2 एंड R3. तो एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ लॉस हुआ, यहाँ पे कुछ लॉस हुआ, जितना टोटल लॉस हुआ वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर. ठीक है, चलिए अब वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है कि अगर आप तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक सिंगल रेजिस्टर से आप रिप्लेस कर दीजिए, है ना, इंस्टेड ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टर्स वी विल रिप्लेस इट बाय अनदर रेजिस्टर, तो वो हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. बट वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सेम इफेक्ट होगा जितना कि R1, R2, R3 का मिला के था. ठीक है, तो यहां पे करते हैं कैलकुलेशन, स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, एक डेरिवेशन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का. हम जानते क्या है, हम जान रहे हैं कि I1 मतलब द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1. ओके, I2 करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2, और ये है I3. ठीक है, क्लियर है, यहां पे मेरा वोल्टेज है आई, वोल्टेज है वी, और ये है आई. सो व्हाट विल ऑब्जर्व कि आई इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, तीनों सेम है, है ना, तीनों सेम है ना, जो यहां से करंट निकला है वही ना तीनों से गया है. यहां पे आई निकला था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस था वी, आई करंट निकला, तो वही करंट तीनों में गया ना, तो बस यहां पे आई फ्लो हो रहा था, वही इसमें भी गया, इसमें गया, तो तीनों बराबर है. लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है V1 प्लस V2 प्लस V3 ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू V है. ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या है, V है. ठीक, तो हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं क्या, सो V इक्वल टू IR होता है क्या, सो V1 इक्वल टू क्या होगा, I1 R1, है ना. अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ओम्स लॉ का ये सिंपल सर्किट याद रखिए, ये सर्किट, ये R, ये V और ये है I. ठीक है, करंट, इसीलिए मैं आपको बोला था उस टाइम अक्रॉस और थ्रू पे ध्यान देने का. पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अक्रॉस, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज V, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज I, सो योर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I1 R1, करंट फ्लोइंग थ्रू I, इफ दिस इज R1 देन दिस विल बी I1, करंट फ्लोइंग थ्रू I2, R2 विल बी I2. ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 क्या है, V2 लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 हो जाएगा I2 R2, और सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, I3 R3, सिंपली फ्रॉम ओम्स लॉ. और V इक्वल टू क्या है, I, है ना R इक्विवेलेंट, मतलब इन सब के बदले जो एक आने वाला है उसको हम क्या लिख दिए, R इक्विवेलेंट. ठीक है, यहां पे हमको पता है ना कि I1 I2 I3 सब सेम है, तो I1 के बदले भी मैं I लिख देता हूँ, I2 के बदले भी I लिख देता हूँ, और I3 के बदले भी
आई लिख देता हूँ, क्लियर है? तो हो गया आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आई ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट। सो आई आई गेट्स कैंसल्ड, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इक्वल टू वॉट, इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। सो द आर इक्विवेलेंट विल बी दिस, मतलब कि अगर इन तीनों के बदले, है ना, इन तीनों के बदले मैं एक रेजिस्टेंस लिखूं, है ना, इन तीनों के बदले एक, सिर्फ एक आर वन आर टू, तो उसके बदले मैं क्या लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट, और उसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, ठीक है, समझ में आ गया? तो बस चीज क्या है कि जब आप सीरीज सर्किट में हो रहे हैं तो आपका करंट सेम होगा, और आप इस तरह से अरेंज किए हैं कि आपका करंट सेम होगा और आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उन तीनों के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसका सम किसके बराबर होगा, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट उसके बराबर होगा, ठीक है? तो दो चीजें होती है यहां पे, द करंट इज द सेम एंड वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जो तीनों के अक्रॉस थोड़ा 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 घटा है, तीनों को जोड़कर कितना आएगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ठीक है? तो ये तीनों को जोड़ के पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि लाइक अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, जोड़ दिए, राइट, मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है, अब मेरा करंट जाने लगा, है ना, मेरा करंट जाने लगा, तो मेरा करंट कुछ इधर जाएगा, यहाँ पे तो दो रास्तों में बंटना पड़ेगा ना, है ना, है ना, दो रास्तों में बंटना पड़ेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, यहां पे रास्ता बंद भी कर दूं, तो करंट के पास तो ये रास्ता है ना, वो इधर जाएगा और इधर जाएगा, अगर मैं ये भी रास्ता बंद करूं फिर भी एक रास्ता वो इधर जाएगा, क्लियर है? तो उसके पास एक से ज्यादा पाथ होता है, मोर देन वन पाथ, बट इसको अगर हम कनेक्ट किए थे तो क्या करंट के पास एक से ज्यादा पाथ है? नो, केवल एक ही रास्ता है, और कहां से जा सकता है क्या, नहीं। तो ये बिल्कुल अरेंजमेंट इस तरह से किया गया है कि बस एक ही पाथ है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो बस आगे बढ़ते हैं, तो पैरेलल का डेरिवेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन करते हैं, यहां पे ये मेरा है ना 2 ओम है, मैं इसको आर वन मानता हूं, इसको आर टू और इसको आर थ्री। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अक्रॉस मेजर करते हैं ना हमेशा, तो ये देखिए यहां पे जो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, वही ये भी होगा और वही ये भी होगा, है ना, क्योंकि कुछ एनर्जी यहां पे बटने के बाद उसको नहीं जा रहा है, इसको गया और उसको गया, वो सब अपना अलग अलग ले रहा है, तो यहां पे भी ये होगा। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी थ्री होता है, इक्वल टू किसके बराबर, वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तीनों का जो पोटेंशियल वो बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने का, तो यहां पे करंट जो है, करंट बट रहा है क्या, तो करंट बट रहा है, बराबर तो नहीं बट रहा होगा, वो तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर कितना किसको मिलेगा, है ना, है ना, जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसको कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आप V सबके अक्रॉस सेम लगा रहे हैं, है ना, सबका सेम है V, तो जिसका आर वन ज्यादा होगा, मान लीजिए 10 है, तो 10 आप 2 इंटू 5 करके भी ला सकते हैं, और 10 आप 5 इंटू 2 करके भी ला सकते हैं। तो अगर इधर साइड वाला मेरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो अगर आपका रेजिस्टेंस 5 है, अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है 10-10, रेजिस्टेंस आपका 5 है, आपको कितना करंट मिलेगा, 2, आपका रेजिस्टेंस 2 है तो आपको कितना करंट मिलेगा, 5, ठीक है। तो डिस्पाइट अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपका रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट
अलग अलग मिलेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस तो कम करंट, कम रेजिस्टेंस तो ज्यादा करंट, बस क्लियर। तो एक बात तो श्योर है कि तीनों को जोड़कर आई के बराबर आएगा, है ना। यहां पे करंट मिला, यहां पे करंट आएगा, यहां पे सब आई के बराबर ही आएगा, जितना यहां से फ्लो करना चालू किया वही ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। पानी यहां पे इतना चलना चालू किया, यहां पे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, तो बस वही बात है ना। यहां पे देखिए मैजिक ट्रायंगल याद है, वी आई आर, हमको निकालना क्या है आई ना, तो वी बाई आर लिखे क्या डायरेक्ट, वी बाई आर। तो यहां पे हम सब वाला लिख रहे हैं, तो यहां पे आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे I1 के जगह पे क्या लिखेंगे, V1 by R1, और I2 के जगह पर V2 by R2, और I3 के जगह पर V3 by R3 लिखे। V by R equivalent equal to V1 equal to V है ना, तो V लिख लेते हैं, 1 by R1 V by R2 plus V by R3, डन है ना। नाउ व्हाट वी डू, हम लोग वी को ना कॉमन ले लेते हैं, वी को कॉमन ले लीजिए, वी को कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये वी और ये वी कट हो जाएगा, 1 by R equivalent to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ये निकला मेरा parallel का formula, parallel connection का, 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, हो गया clear। तो यही था हमारा series और parallel connection। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट पासिंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज द सेम, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टर। लेकिन पैरेलल में द करंट अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, ठीक है। And voltage drop, voltage applied across the circuit is same across all the resistances. Clear है? तो हम लोग करेंगे numericals इसके ऊपर, है ना? Next day, ठीक है? तो फिर कल करते हैं, कल मिलते हैं, और फिर ये सारा numericals हम लोग कर लेंगे, है ना? And one more topic, heat generated. And उससे काफी practical questions आते हैं, ठीक है? Okay, thank you.